इसका प्रिंटर आ चुका है लेजरजेट 1536 DNA मल्टीफंक्शन प्रिंटर। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ऑन करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट आए हैं। या अपना अपना परिचय दो, अपना अपना नाम बताओ भाई। माय नेम इज प्रियांश तोमर। माय नेम इज विपिन तोमर। माय नेम इज अंकित तोमर। ओके, इन तीनों का, ये हमारे आते हैं भाई साहब अलीगढ़ से, और ये दोनों आते हैं जनकपुरी, ये जनकपुरी से आते हैं, ठीक है। तो इनको मैं स्पेशली प्रिंटर का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो प्रिंटर ऑन करते ही देखिए तीन एरो आ गया, 4, 5, और ये दोनों लाइटें ब्लिंक करने लगती है, और ये इसमें इनिशियलाइजेशन का इशू आ रहा है। देखिए ये लाइटें ब्लिंक करता रहता है, इनिशियलाइज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक करते हैं। तो अभी हम जो भी प्रैक्टिकल हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में कोचिंग यहाँ पर कराते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम बताते हैं, जो भी ट्रेनिंग लेने आता है स्पेशलिस्ट, तो हमारे पास ये फॉल्टिंग, हम क्या करते हैं, हम दुकान वाले कोई भी पार्ट रिपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे पास कंपनियों का, जैसे PNB बैंक हो गया, अलग अलग, देखिए यहाँ पे लिखा है, लोगो लगा है नोएडा का आया है, तो उसका प्रिंटर ठीक करते हैं। कोई और बैंक हो गया या कोई कॉरपोरेट हो गया उनका आता है, तो हम ये कंपनियों का ठीक करते हैं, ना कि किसी यूज़र का, ठीक है। उस पर हम लाइव दिखाते हैं कि कैसे हम प्रिंटर को ठीक करेंगे, कौन सा क्या केस होता है, लाइव बताते हैं, खोल इन्हीं से खुलवाते हैं, पैक कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए 5 एरो पर आपका अटक जाता है, तो आपका सबसे पहले फैक्स कार्ड का इशू है। आप ये हमेशा गलत फहमी मत रहिए कि आपका लॉजिक कार्ड ख़राब है, मोस्टली 99% फैक्स कार्ड का इशू होता है। चलिए हम लाइव देखेंगे विदाउट वीडियो एडिटिंग। ये हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, तो हम इनको सामने भी रिपेयर करेंगे। सबसे पहले ऑफ करेंगे फैक्स कार्ड। आपको बता दूं बिहाइंड द सीन, फैक्स कार्ड हमारा जिधर लॉजिक का पावर सप्लाई होता है, पावर बटन इधर ही होता है, इधर फैक्स कार्ड लगा होता है, ठीक है। अभी देखेंगे फैक्स कार्ड के वजह से ही हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेज होता है, इसको खोलेंगे। खोलिए, ठीक है। पेज खोलने के बाद फिर हम यहाँ से फ्लैट ड्राइवर की मदद से माइनस बिट को यूज करते हुए आसानी से कवर को निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको माइनस की तरफ से ले लेंगे या ये हम लगा लेंगे इधर से, ओके। ये हमारा आसानी से यहाँ से खुल जाएगा, ओके। और थोड़ा सा हम इधर निकालेंगे तो ये हमारा आसानी से, ये देखिए निकल जाएगा, ओके। इधर रख देंगे, ये देखिए हमारा फैक्स केबल है और ये हमारा फैक्स कार्ड है, ये हमारा लॉजिक कार्ड है, ये हमारा CCD स्कैनर का केबल है, और ये हमारा कंट्रोल पैनल की है, और ये हमारा ADF केबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केबल को निकालेंगे, पहले मॉइस्चर चेक करेंगे। तो देखिए केबल पे मॉइस्चर है काफ़ी, ये देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे पास से, तो यहाँ पे देखिए केबल पे काफ़ी कार्बन और मॉइस्चर है, इनके वजह से ज़्यादातर से इशू आता है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से क्लीन करके देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आइसो का प्रयोग करेंगे, आइसो और स्प्रे वाली बोतल लगी, और लाइव देखेंगे हमारा प्रिंटर ठीक हो रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे ऐसे आप पकड़ो सीधा, हाँ ठीक है। तो स्प्रे करेंगे थोड़ा सा इस पर, ओके, और 1 मिनट कॉटन की मदद से अच्छे से क्लीन करेंगे। ये हमारा कॉटन हो गया, हम अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। या तो हम केबल को रिप्लेस कर लेंगे, दो उपाय होता है हमारे पास, अगर हम कहीं जा रहे हैं सर्विस के लिए तो हम इसे क्लीन करेंगे। देखिए यहाँ पे गंदगी, जो मॉइस्चर था हमारा इस पर आ चुका है कॉटन पे, ठीक है। ये देखिए कई बार आपको क्लीन करते वक्त ये स्ट्रिप निकल जाती है, तो इसके लिए डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे विदाउट फैब्रिक, ठीक है। इसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है, सफाई हो गई, ये देखिए, और इसको भी क्लीन कर लिया, ठीक है। चलिए हम लाइव लगा के देखते हैं, ओके, प्रिंटर में। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, अच्छे से ग्रिप बना लेंगे, फिर उसके बाद से हम या तो फैब्रिक या फैब्रिक लगा के अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे ग्रिप बना लिया हमने, और यहाँ पे क्या करेंगे, लगा लेंगे इजीली,
ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे नीचे हिस्से में लगाएंगे। ओके, अगर आपके पास ये फैक्स केबल नहीं है तो आपको क्या करना है, तो कई बार नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको लगाने में दिक्कत होती है। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा बाहर ही रह गया, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा फैब्रिक ला इस केबल को हम ठीक कर लेते हैं, फिर हम उसको लगाएंगे। देखिए दोनों साइड का निकल जाता है तो फिर दिक्कत होता है, फिर आपको केबल बदलना पड़ेगा या तो, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है इसी वजह से होता है। ध्यान से देखेंगे आपके हाथ में ना लगे, नहीं तो आपको खाते वक्त ठीक है, ये हमारा चिपक चुका, एक साइड का हमारा हो गया फिक्स। अब दूसरे साइड का हम ऐसे फिक्स कर लेंगे, थोड़ा इसे गिरा लेंगे और हम केबल को बैक साइड से ऐसे लगाएंगे और इधर चिपका दें। ये हो गया हमारा केबल तैयार। अब चलिए प्रिंटर में लगा के देखते हैं। ये देखिए प्रिंटर में लग चुका। इस तरह हम विद इन अ मिनट हम केबल बना लिए। अब चलते हैं प्रिंटर में लगा के देख के और उसे ठीक करते हैं। तो आपको देखना है नीचे से जो केबल की कनेक्टिविटी सही हो। चलिए पावर लगा के देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं, डिस्प्ले में ऑन करते हैं प्रिंटर। ये जो प्रॉब्लम होता है हमारा फैक्स केबल का ही होता है और फैक्स कार्ड का हो गया है सर। अभी देखते हैं, देखिए चार एरो, फिर ये रीसेट होगा, फिर शुरू से काउंट करेगा। ये देखिए 4 5 पाँच पे आके स्टक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार केबल को रिप्लेस करके देख लेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लॉजिक जो हमारा फैक्स कार्ड है उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जो अभी एरर सेम बना हुआ है तो हम फैक्स कार्ड को रिप्लेस करके देखेंगे, क्लीन करके देखेंगे, बंद करेंगे। तो एक बार हम पहले फैक्स केबल को फिक्स करके देखेंगे, तो एक बार केबल को लेकर आके हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमने केबल बना के लगाया तो भी केबल का इशू नहीं है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पे स्टक हो गया, बट हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो अब मैं बिहाइंड द सीन बताना चाहूँगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे आईसी हैं इस पे कार्बन लग चुका है और इसको हम अच्छे से निकाल के क्लीन करते हैं। खोल भाई, तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पेच गिरने तो ये खुलेगा सर। ये हाँ माइनस है, खुलेगा प्लस पहले उल्टा कर ले पीछे, ये उल्टा तो कर, छोड़ दो भैया उधर नहीं है भाई, हम बोल रहे थे सीधा करो इधर प्लस, हमने बोला सीधा करो इसको निकाल दो। ये तुम तो पहुंच ही रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, और ये खोलेंगे, निकाल के अच्छे से पीसीबी को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम या तो हम बदल देंगे, दूसरा है तो दूसरा है, नहीं तो बदल के दिखा दूँ सर इसको भी। नहीं सर नहीं, इसको खोलना है सिर्फ। ठीक है, तो इसको चलते हैं ठीक करते हैं, इसको साफ करके अच्छे से क्लीन करके बाद फिर आपको दिखाते हैं आईसो से क्लीन करके। दोस्तों अच्छे से क्लीन कर लिया इसको, आप चलते हैं हम इस प्रिंटर में लगा के देखते हैं। तो प्रिंटर में आपको पूरा पैक करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले ये पैक पकड़ो मोबाइल ऐसे, हम इसको कनेक्ट करके सिंपल देखेंगे। ओके, यहाँ पे सिंपल कनेक्ट करके देखेंगे, बस प्रिंटर को ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो भी हमारा प्रिंटर चल जाएगा।
नहीं तो हम फैक्स कार्ड को रिप्लेस मंगा के दूसरा लगाएंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ऑन करते हैं। प्रिंटर ऑन हो चुका है, कार्ड हमारा नीचे इधर घूम रहा है हवा में। एक बार ध्यान देखना देना कि कहीं से ये शॉर्ट ना हो इस वाले पार्ट में, नहीं तो वो कार्ड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चार एरो, पांच एरो बट के, तो ये देखिए पांच एरो पे अटक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा। हमारा फैक्स कार्ड 100% ख़राब है, उसको चेंज करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये ट्रबल शूटिंग था, आप इसे फिक्स भी कर सकते हो अगर हमारे पास फैक्स कार्ड हो। एक बार और पता कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्लीन करने के बाद आई कंट्रोलर को फिर से हमने इसको कनेक्ट किया है। उसके बाद से अब चेक करेंगे इनिशियलाइजेशन पे, यहाँ पे देखेंगे क्या है स्टेटस। 5 एरो आ चुका है, ठीक है। अब दोबारा से इनिशियलाइज होगा, फोर एरो, 5, उसके बाद इनिशियलाइज चेक करते हैं तो यहाँ पे स्टक हो गया फिर से। तो ये देखिए परमानेंट स्टोरेज इनिशियलाइज, और प्रिंटर भी हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। और प्रिंटर भी रेडी हो जाएगा। इस केस में हमारा फैक्स कार्ड का इशू था, आपने देखा। तो देखिए अभी हमारा एक वही फैक्स कार्ड है, तो हमने इसको क्लीन करके अच्छे से लगाया, तो हमारा 1000 का कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दिया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।